तो गाइस अभी हम हैं नाहरगढ़, जैविक उद्यानी नाहरगढ़ फोर्ट पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। हाँ चलो, हाँ अब मैं तुमको हॉन्टेड जगह लेके चलूँगा, तुम लोग कहोगे ना। तो गाइस ऐसे 9 रूम है यहाँ पे, ऐसे पूरे 9 चैम्बर से इंटरकनेक्टेड, इसलिए इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा है। तो अभी अपन और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। छत का रास्ता भी, यहाँ से छत पे चलना, छत पे बाद में चलते हैं, क्यों मैं नहीं जाऊंगी। वाह शानदार। तो कई दिनों ने जीर्णोद्धार यानी कि रेनोवेशन कर दिया है इस जगह का, उसके बाद बहुत ही अच्छा हो गया है, एक से एक से बने हुए हैं सब। आ रहा हूँ वाओ, एकदम लाल रंग की रोशनी। हाँ यहाँ पे चलते हैं। नहीं है ये हॉन्टेड नहीं है, ग्रीन। वाओ कैश, लाओ तो कानों के पास है। ऐसे कैसे 9 चैम्बर से यहाँ पे और अंतर लगा पाना मुश्किल है कि किस चैम्बर पे है। एक्जैक्टली ऐसी रेप्लिका बनी हुई है। ए बच्चों इधर देखो गाइस, कैसा लग रहा है? भूल भुलैया लग रही है गाइस ये? जानवी का कहाँ है? पता नहीं कहाँ से निकल के कहाँ पहुँचे। बच्चों इधर आओ, इधर ए इधर आओ, इधर भैया ऊपर जाने का रास्ता किधर है? ये टनल कैसा है यार दोस्तों? ये सीक्रेट टनल एक बार मुझे देख लो, सीक्रेट टनल में क्या है? वही बार के वो क्या है ना, देखिए देखा। तो गाइस हमें नारंगी की छत पे और मेरे पूरा पीछे जयपुर का नज़ारा देखा जा सकता है।
थोड़ी गर्मी बढ़ गई है तो अब हम निकलते हैं। हमें बहुत प्यास लग रही है, आपको भी लग रही है तो पी लो। तो देखिए एक पोर्शन, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसलिए इसको नारगढ़ कहा जाता है। ऐसे ही कक्ष इधर है, अच्छा।